सिद्धार्थ शुक्ला के कारण बिग बॉस सीजन 14 में नहीं गए आसिम रियाज। आसिम रियाज ने खुद तोड़ी चुप्पी। आखिर क्या कहा आसिम रियाज ने, चलिए जानते हैं। बिग बॉस सीजन 14 खत्म हो चुका है, सीजन 15 की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन इसी बीच ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। ऐसा ही एक सवाल है कि जब बिग बॉस 14 में सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान जैसे सीनियर्स को बुलाया गया, तो फिर आसिम रियाज शो का हिस्सा क्यों नहीं बने। चर्चा ये भी थी कि आसिम को शो के मेकर्स ने अप्रोच किया था, यहाँ तक कि फिनाले एपिसोड के लिए भी आसिम को अप्रोच किया गया, लेकिन वो नहीं पहुँचे। बात ये भी चल रही थी कि सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से आसिम ने शो से दूरी बना ली, और अब इस पूरे मामले में आसिम रियाज ने खुद चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने बताया कि आखिर असलियत क्या है। बिग बॉस 13 के फर्स्ट रनर अप रहे आसिम रियाज ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा, मैं बिग बॉस सीजन 13 में 140 दिन रहकर बाहर निकला था और बिग बॉस सीजन 14 कुछ ही महीने बाद ही शुरू हो गया। ऐसे में मैं दोबारा उसका एक्सपीरियंस नहीं लेना चाहता था, ये मेरा स्टाइल नहीं है, मैं बस नहीं जाना चाहता था। आसिम ने आगे कहा, मुझे बस ऐसा नहीं लगा कि मुझे दोबारा वहाँ जाना चाहिए। हम उस घर में गए और हमने बड़ा मुकाम हासिल किया और अब मैं कुछ और करना चाहता हूँ। बता दें कि बिग बॉस सीजन 13 में आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर चुकी थी, और इसी के चलते खबरें ये मानी गई कि आसिम रियाज सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से सीजन 14 में नहीं गए। लेकिन आसिम रियाज ने खुद साबित कर दिया है कि इसमें सिद्धार्थ शुक्ला का कोई हाथ नहीं है, उनका मन ही नहीं था सीजन 14 का हिस्सा बनना। वेल, क्या कहना है आसिम रियाज को लेकर आपको, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टेलीविजन के लेटेस्ट अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।